हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ पेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा दूसरा चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप उस पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं मॉर्निंग एनर्जी अपडेट्स डालती हूँ। सेकेंड चीज़, वहाँ पे मल्टीपल और भी चीज़ों पे अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियोस डालती हूँ, जो कि शॉर्ट वीडियोस होते हैं, वो भी आपके इंटरेस्ट के हो सकते हैं। सेकेंड चीज़, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो वो आपको अगर टाइम कम है तो फटाफट वो भी देख सकते हो, तो फटाफट जाओ और उसे भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने पर्सन को याद करिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को ध्यान में रख करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है ठीक इस वक्त। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। राउंड एंड राउंड घूम रहे हो अभी भी आप सेम चीज़ों में, राउंड एंड राउंड की सिचुएशन तब आती है जब आप कुछ सबक हैं सीखना है वो सीख नहीं रहे हो, आप भी सेम गलतियां कर रहे हो, आपका पार्टनर भी वही सेम गलतियां दोहरा रहा है, इसलिए बार बार आप सेम सर्किल में घूम रहे हो। लेक्चर तभी रिपीट किया जाता है किसी का जब आपको वो ठीक से याद नहीं हो, टीचर आपको तभी बोलता है अपने चैप्टर को रिपीट करने के लिए जब आप चैप्टर को या उस टॉपिक को सही ढंग से समझ नहीं पाते, तो वही चीज़ है। तो ट्राई करें कि ये राउंड एंड राउंड सिचुएशन से, सर्कल से आप बाहर आ सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें कि कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। कोर्ट शिप एंड कोर्ट हाउस, कोर्ट काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोर्ट, क्योंकि दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। थ्री नंबर, फोर नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे होंगे आप देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या किसी भी तरीके की मतलब एनिवर्सरी हो सकती है, इतने वीक हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं, आप लोगों को मिले हुए या बिछड़े हुए, या ये पर्टिकुलर नंबर के मंथ हो सकते हैं, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, ठीक है, ये किसी तरीके से आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। चलिए, फाइव नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फाइव नंबर की रिपीटिशंस हैं यहाँ पे कई बार, फाइव फाइव फाइव,
चलिए अब हम देखते हैं एक मैसेज। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज बताइए। कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई करिए। जोडेक साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे एरीज की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग आई है, बट मजिशियन है तो सभी साइन यहाँ पे हो गए, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो सजिटेरियस, सभी एनर्जी आ गई क्योंकि द मजिशियन है यहाँ पे। स्पेशली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और एरीज की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है आपको लेकर के कि इनको ऐसा लग रहा है आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जी है या इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला आपको छोड़ना पड़ेगा, ज्यादातर की एनर्जी यही दिख रहा है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया है। ये फिलहाल आपसे एक मूव ऑन करना चाहते हैं, इमोशनली मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि इनकी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे हैं या ये रिश्ता ही इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस घोल रहा है। तो इसीलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये चीजों को ठीक नहीं कर पाए या पास्ट में गए हों। चलो हम इनको क्लैरिफाई और कर लेते हैं। अच्छा, कोर्ट हाउस की एनर्जी ये है कि कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि या तो कोई लीगल मैटर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे यह हो सकता है किसी का डिवोर्स का केस चल रहा हो या कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, या लेना है या कोई लीगल मैटर हो सकता है या कहीं से प्रॉपर्टी का कोई केस हो सकता है, कुछ भी है जिसकी वजह से जो है वो ऑफर नहीं ले लिया जा रहा है यहाँ पे, नहीं ले पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे। और ये जो कोर्ट हाउस है ना, ये केस जो है ये मतलब किसी फाइनेंसिस के रिगार्डिंग हो सकता है कि किसी तरीके का सुकून आ सकता है, पैसा आ सकता है यहाँ से, ये चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन किसी कोर्ट लॉ वगैरह की पढ़ाई कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि वो कुछ लॉ वगैरह से पढ़ रहे या उनको कहीं से कोई लीगल पैसा मिलने वाला है या नहीं मिल पाएगा आपकी वजह से, ये रीज़न हो सकता है किसी तरीके से। अब सबके लिए अलग अलग होगा, कोर्ट केस है, लीगल मैटर है कोई जिस जो पैसे से इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ही प्रपोजल अगर देना है, प्रपोजल रुका हुआ है मतलब ऑप्शंस पे है, अभी लिया नहीं जा रहा है या दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी। अब ये कैसे आपसे रेजोनेट करेगी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सोलमेट हो सकते हैं आप एक दूसरे के, आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, इन्होंने सोच लिया है कि आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है। प्लीज डिवाइन फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यस। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अबंडेंट हैं, सब कुछ है आपके पास में, ठीक है। और आपकी तरफ कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि शायद ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, ये भी चीज़। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये बहुत उन कंडीशन में इनकी स्थिति जो है अच्छी नहीं है, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन पे हैं और शायद ये आपको कभी पा नहीं सकते, ठीक है। आपको पाने के लिए इन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल से भिड़ना पड़ेगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं इनकी ज़िंदगी में जिससे ये नहीं भिड़ पाएंगे और आपको कभी पा नहीं सकते, ये इस तरीके का इनको लगता है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया, इनको इनकी परिस्थितियों हालातों के साथ आपने अकेला छोड़ दिया, बट आप अपनी जिंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, अबंडेंट हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है यहाँ पे, और ये परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, मैनिफेस्ट, ये आपसे अपनी एक मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं, इनको ऐसा लगता है, हालांकि ये अभी फिलहाल इन समस्याओं से दूर जा रहे हैं यहाँ पे, ये एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि शायद इनकी ट्रेडिशनल वे में कहीं मैरिज कराई जा रही हो, ये भी चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से ये हो सकता है आपसे एक दूरी बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। या इनकी एनर्जी ये है कि हो सकता है ये तब तक एक सुकून भरा समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, सारी टेंशन जो भी इनकी ज़िंदगी में, जब तक पैसा नहीं आ रहा है, जब तक ये आपको ऑफर नहीं कर सकते, तब तक ये चाहते हैं कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी भी दिखाई देती है कहीं ना कहीं। फिलहाल
स्ट्रेस से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहते किसी भी तरीका का, अगर आपको कमिटमेंट देना है तो वो स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहते ये। अभी फिलहाल ये अपनी प्रॉब्लम से भागते हुए नजर आ रहे हैं। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एम्परर यहाँ पे क्यों है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए ये इमोशनली, या तो ये खुद बहुत ज्यादा उसके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ आपके लिए ही है अगर एनर्जी, क्योंकि हम आपके लिए ले रहे हैं तो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है, तो हो सकता है ये टाइम आपके साथ ऐसा स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे ये पार्टी वार्टी करना, क्योंकि ये भी थ्री ऑफ कप्स की ही एनर्जी है, ये भी थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है ये आपके साथ। या अगर आप किसी और सिचुएशन में, तो क्वीन ऑफ कप्स कोई और हो सकता है जिसके साथ ये हो सकते हैं, क्योंकि ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हो, खुश हो, इस तरीके की इनकी एनर्जी, तो थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। या कुछ लोगों के लिए वही चीज़ है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी इस स्थिति में है, लेकिन तब तक के लिए ये इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, लेकिन जिस दिन ये पावर में आ जाएंगे उस दिन ये आपके पास आएंगे, तब आपके साथ मिलके ये इस तरीके से पार्टी शार्टी करेंगे, एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे। द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए, द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए। प्यार इमोशंस इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिए। अगेन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी है। अभी फिलहाल ये अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं और उसके लिए अपनी जिंदगी में हर तरीके से खुद को पावर में लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज है, मैंने कहा ना, ये अभी अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए ये बहुत कुछ जो कर सकते हैं वो ये सब कुछ करेंगे वाली एनर्जी है। ये एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पे, ये एनर्जी है, ठीक है, बिकॉज ये अपनी जिंदगी में आप स्ट्रेस नहीं चाहते। सिक्स ऑफ कप पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। मजिशियन की ही एनर्जी आ गई है, ये चीज़ों को तब तक बैलेंस आउट करना चाहते हैं जब तक इनका वेटिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। तब तक वेटिंग टाइम चल रहा है, तब तक ये चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, इनकी जिंदगी बैलेंस में आ जाए, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपकी यादों से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये अभी स्टैंड नहीं है, इनके इरादा है इनका स्टैंड लेने का, स्टैंड ये तब लेंगे जब किस्मत इनका साथ देगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, आपके लिए मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं बट आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, बिकॉज इन्हें नहीं लगता कि अभी ये सही समय है जहां ये आपके साथ कोई भी न्याय कर सकते हैं या कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, इनकी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आइसोलेट रखा हुआ है इन्होंने खुद को, अपने ऑप्शंस पे भी काम कर रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया है, इन्हें चीट करा है, इन्हें दुख दिया है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं आपको, पर यहाँ पे फैमिली इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं आपको, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और ये किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके का कोई जॉब वगैरह दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो हो सकता है उसका कोई कॉल लेटर वगैरह आना हो, उसके रिगार्डिंग भी वेट कर रहे हो कि तब ये एक्शन लेंगे वाली एनर्जी इनकी आएगी। यहाँ पे कोर्ट के हाउस को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पे इस तरीके की कोई सिचुएशन है, कोर्टशिप की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन फिलहाल के लिए आपसे एक दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास अभी स्टेबल ऑफर नहीं है देने का, और इन्हें एक्चुअली सही से नहीं पता है कि ये आपके साथ कभी साथ में चल भी पाएंगे, आपको कोई न्याय दे भी पाएंगे, आपके पास मैरिज कर भी पाएंगे। इरादा है इनका आपसे मैरिज करने का, बट फिलहाल इनको अभी पता नहीं है कि ये ऐसा कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो तब तक ये आपसे सिर्फ एक कोर्टशिप चाहते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेस नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, कोई इमोशंस नहीं चाहते, कोई प्यार मोहब्बत की कोई खास बात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको साथ में आपको ये ऑफर कर सकते हैं कि चलो हम थोड़ा सा टाइम कहीं स्पेंड कर लेते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी। हो सकता है आप में से जो लोग देख रहे हैं, आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जिनमें आपका कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी एक मदर और एक बच्चे को ले जाता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है एक टाइम आपके साथ, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहें, बिकॉज यहाँ पे एक ऑनेस्ट की एनर्जी है, और द चाइल्ड, योर चाइल्ड इज अ इशू फॉर मी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये चाइल्ड, आपका जो बच्चा है, ये इनके लिए एक इशू बनेगा, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का एनर्जी यहाँ पे आया है, मतलब आप लोगों की जिंदगी में ना एक अच्छा सेलिब्रेशन का टाइम जरूर आएगा, यहाँ पे ये एनर्जी है। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, फाइव नंबर दिख ही रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई भी कप का कार्ड नहीं है, कहीं कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है,
है भी तो सिर्फ दोस्ती, मतलब जिंदगी में समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि इन्हें नहीं लगता है कि ये कुछ भी कर पाएंगे, तो अभी उन्हें इमोशंस प्यार मोहब्बत के बारे में बात नहीं करना चाहते, इन इमोशंस से ये भागना चाहते हैं, उनको याद नहीं करना चाहते, उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, चीज़ें जब तक इनके फेवर में नहीं हो जाती तब तक ये शांति चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे है, यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी बार बार मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जहाँ आपके पर्सन योर चाइल्ड इज अ इशू फॉर मी क्यों है, प्लीज डिवाइन में बताएं योर चाइल्ड इज अ इशू फॉर मी क्यों है। मैं अभी जो आया है माइंड में वो बताऊंगी, बट मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लूं। यस, हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे जब रिश्ता बनाया तो इनकी जिंदगी में, क्योंकि फाइनेंसिस की कमी है, तो इनको ये लगा हो कि आपकी जिंदगी में जो आपको फाइनेंसिस, हो सकता है आपके एक कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिली हुई हो, ठीक है, आपके पास पैसा हो सकता है, बट हो सकता है आप एक सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद उनको जो दिक्कत आएगी यहाँ पे पैसे, मतलब इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, यहाँ पे ये पैसे का वेट कर रहे थे कि शायद पैसा आ जाए कहीं से, इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, और इनको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा होने की वजह से उनको हो सकता है वो प्रॉपर्टी ना मिले आपकी, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी पे हो सकता है। अब मैं यहाँ पे इमोशंस की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं इस वजह से ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है थोड़ा सा पैसे के लिए आए हों, इन्हें लगा होगा कि इनके जो इनके ज़िंदगी में पैसे की क्राइसिस है, तो हो सकता है कि आप एक पैसे वाले घर से, संपन्न घर से हो सकते हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये प्रॉपर्टी वगैरह, आप इतने पैसे वाले हो तो इनको फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, बट क्योंकि हो सकता है आपके पास बच्चा है तो इनको ऐसा लगता है कि ये बच्चा तो प्रॉपर्टी ले लेगा कल को, ठीक है, या हो सकता है कोई और इशू, मतलब क्लेम कर सकते हैं, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है, तो इसीलिए इनकी अभी एनर्जी जो थोड़ी सी ऐसी दिखाई देती है जहाँ ये आपसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, बट क्योंकि ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं तो दूर नहीं जा सकते, तो ये आपसे ये कह सकते हैं कि आपसे एक दोस्त बन के रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका माइंड में पैसा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा चल रहा है, थोड़े से डिप्लोमेटिक बिहेवियर के हैं, तो इमोशनल लॉस है इनका अभी फिलहाल, और ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, तो इसीलिए इनको लग रहा है कि आपका बच्चा इनके लिए एक इशू है, ठीक है, ऑनेस्ट को क्लैरिफाई करिए, ठीक है, ऑनेस्ट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ऑनेस्ट को क्लैरिफाई करिए। अगेन थ्री ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन अपनी चीजों के बारे में हो सकता है अब ये आपसे ये चीज कंफर्म करना चाहें, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ और चीजें अगर आपको शो करी हैं, तो ऑनेस्ट इनका आंसर यही हो सकता है कि अब ये थोड़े से प्रैक्टिकली ये चीज कन्फेस कर सकते हैं कि आपको जिंदगी में आपको पावर पोजिशन पे देखते हुए आपकी जिंदगी में आए थे, ठीक है, ये चीज ये कन्फेस कर सकते हैं इस बात का कि या बताना चाहते हैं कि ये पैसे और पावर की वजह से आपके पास आए थे, फाइनेंस इन्हें लगा था कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट आपसे मिल जाएगा, बट क्योंकि अब वो आपसे मिल नहीं रहा है, आपका बच्चा एक इशू बन रहा है इनके लिए, तो हो सकता है ये इसलिए अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और किसी और के साथ जाना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है कि कोई और सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो ये इनके लिए ही है, अगर फैमिली कहती तो अलग बात थी, तो भाई जो कार्ड कह रहे हैं हम तो वही कहेंगे, यहाँ पे ये एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है, अब कैसे आपसे रिजोनेट करेगी आप देख लो, यहाँ पे पैसा 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 बहुत इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी, अगर रिजोनेट किया गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।